हमें अगेन प्रिपरेशन में अति नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें अपने साथ ऐसा नहीं कि इनजस्टिस करें। अगर तुम मेहनत करो फुल, उसके बाद हमें अपने ऊपर बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ये हैं वो बेचारे इसी चीज में अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। इस तरह की नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बार तो अगर तुम इस तरह का सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को तो अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उसका मतलब क्या है कि तुम यू आर ऑसम। अगर तुम्हें ये रियलाइजेशन है कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए जो मेरे लिए करें मुझे भी उनके लिए रिटर्न में कुछ करना है, तो डेफिनेटली यू आर वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, और जो भी तुम अपना कर रहे हो तुम बेस्ट अपना दे रहे हो। तो ये सोचने के लिए तुम्हें इस तरह की नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, नेगेटिव चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, और अपने ऊपर हार्श बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई वुड से तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करो, उसके बाद सब आई वुड से भगवान पे छोड़ दो। इस तरह का प्रेशर बिल्कुल ना लें, अपने साथ इतना इनजस्टिस ना करें कि मैं अपने आप को टोटली कोसता रहूं। ये ठीक, अगर मानिए मैंने कोई गलती की है, ठीक है, गलती सभी से होती है, सभी इंसान है, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो उसको मेरे को कोर्स करेक्शन करना चाहिए कि ठीक है उस तरह की गलती मैं आगे नहीं करूंगा। अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया ठीक है नहीं करूंगा, बट उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आपको कोसना चालू कर दें और उसके पे टाइम वेस्ट करना चालू कर दें। इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए अपने लिए। तो आई वुड से यू आर ऑसम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम।